नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। आगरा में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा माता लक्ष्मी को लेकर दिए गए बयान पर हिंदूवादियों में काफी आक्रोश है। इसी को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा से लखनऊ रवाना हुए, जहां पागल खाने में भर्ती कराने के लिए आवारा कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ियों से लखनऊ रवाना हुए हैं। ये लोग आगरा से एक कुत्ते को लखनऊ ले गए और बताया कि कुत्ते को लखनऊ में छोड़ दिया जाएगा और साथ ही कहा कि उधर से स्वामी प्रसाद जो कि मानसिक रोगी हैं उन्हें भर्ती कराने के लिए आगरा ले आएंगे। साथ ही कुत्ते के गले में स्वामी प्रसाद मौर्य की फोटो भी लगाई गई है। वहीं बिजनौर में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां बंद घरों को चोरों ने निशाना बनाया। इसके साथ ही चोरों ने 20 तोला सोना और 5 लाख रुपए की नकदी चोरी करके ले गए। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला सिहोरा थाना के महज चंद कदमों की दूरी पर मोहल्ला उस्मान नगर का है। मामला यह है कि मेरे बेटे की शादी है 3 जनवरी की, तो उसी के लिए मैंने ये मकान बनवाया था। नीचे पहले का बना, ग्राउंड फ्लोर पहले का बना हुआ है और ये फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर मैंने बाद में बनवाया, क्योंकि शादी करनी है मुझे। मेरी पोस्टिंग रामपुर में है, मैं एसआई के पद पर रामपुर फायर सर्विस में हूँ। और मैं आज शाम करीब 4:30 बजे हमारे बड़े भाई साहब ने ये बताया कि तुम्हारे घर के ताले, वो दरवाज़ा खुला हुआ है और छोटे भाई जो सब इंस्पेक्टर हैं अरमान अहमद, इनकी गाज़ियाबाद पोस्टिंग है, उनका भी दरवाज़ा खुला हुआ है। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कासगंज में प्रदेश की योगी सरकार में पत्रकारों का खबर लिखना दुश्वार हो रहा है। योगी सरकार की बेलगाम अफसरशाही पत्रकारों की आवाज को दबाने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके से कार्य कर रही है। यूपी के कासगंज में एक लकड़ी माफिया के दबाव में सत्ता पक्ष के नेताओं के इस आरोप पर जिले के आधा दर्जन शीर्ष पत्रकारों के विरुद्ध फर्जी मुकदमा लिखे जाने से जिले भर के पत्रकारों में उबाल आ गया है। गुरुवार को जिले भर के दर्जनों पत्रकारों ने कलेक्टर परिसर में कासगंज एसपी और सीओ सिटी के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान पत्रकार संघ की जिला प्रभारी संजीव कुमार सिंह उर्फ बॉबी ठाकुर के नेतृत्व में पत्रकारों ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन डीएम सुधा वर्मा को सौंपित किया। साथ ही कासगंज एसपी सौरभ दीक्षित और सीओ सिटी अजीत चौहान को एक सप्ताह में हटाए जाने की मांग उठाई और पत्रकारों पर दर्ज मुकदमों की जांच शीर्ष स्तर के अधिकारी से कराए जाने की मांग की है। पत्रकारों ने इसके लिए जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। एक सप्ताह के अंदर यदि पत्रकारों की उपरोक्त समस्याओं का निवारण नहीं हुआ तो प्रदेश भर में पत्रकार उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। कासगंज पुलिस और कासगंज एसपी के गलत रवैये, पत्रकारों के विरुद्ध लगातार हो रहे फर्जी मुकदमे, पत्रकारों के साथ आए दिन थानों में हो रही अवैधता के खिलाफ हम सब पत्रकार एक स्वर में लामबंद हुए हैं। आज जिला प्रभारी पत्रकार संघ जनपद कासगंज द्वारा जिले के पुलिस के खिलाफ दिया है ज्ञापन और ये माननीय राज्यपाल महोदय के लिए दिया गया है, ये हम वहाँ पे भेजवा। वहीं हरदोई में एक मजदूर को अपनी मेहनत का पैसा मांगना भारी पड़ गया। दरअसल त्योहार पर मजदूर ठेकेदार के पास पैसे लेने गया था, लेकिन टाल मटोल करते हुए उसे वापस लौटा दिया गया, जिसके बाद दिवाली के अगले दिन ठेकेदार के पास अपनी मेहनत का पैसा मजदूर लेने पहुंचा, जहां ठेकेदार ने उसे जमकर पीट दिया और वह अधमरा हो गया। इसके बाद परिजन द्वारा घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की पुलिस जांच में जुटी हुई है। युवक की पिटाई से मौत का यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के कौथलिया गांव का है। और राजू लाला श्रीवास्तव ने हमारे भाई को मारा है। उनके घर पे गए थे ये पैसे लेने, काम करते थे उनके पास, पैसे लेने गए थे, वही गाली गलौज हुआ होगा, उन्होंने मारा है सर, बहुत पूरे शरीर में चोट लगी है। नरेंद्र कुमार पर पुलिस अधीक्षक पूर्वी जनपद हरदोई कोतवाली शहर में पूर्व दिनों एक मारपीट की घटना हुई थी, उसी संदर्भ में बता रहा हूँ।
ये थाना कोतवाली क्षेत्र कोतवालिया का मामला है, जहां पर पैसों को लेने के विवाद में ललन सिंह एवं राजू श्रीवास्तव के बीच मारपीट की घटना घटित हुई थी। उसी संदर्भ में थाना कोतवाली स्तर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान घायल ललन सिंह का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था, जिसके इलाज के दौरान आज मृत्यु हो गई थी। उक्त संदर्भ में थाना स्थानीय स्तर पंचायत में पोस्टमार्टम में कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे अन्य कार्रवाई इसमें कराई जाएगी। वही पीलीभीत में चेयरमैन पति पर गंभीर आरोप लगा है, जहां पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी मजदूरी के पैसे मांगने पर उसे जाति सूचक शब्दों और गाली गलौज साथ ही मारपीट किया गया। उसने चेयरमैन के घर में मरम्मत का काम किया था, साथ ही टाइल्स लगाने का भी काम किया था। मरम्मत के काम में चेयरमैन पति ने कई कमियां निकालते हुए मजदूरी का पैसा देने से इनकार करते हुए जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया और गाली गलौज की। पीड़ित ने मामले की स्थानीय पुलिस से लिखित शिकायत की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला थाना जहानाबाद इलाके के नगर पंचायत जहानाबाद से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बियनी ग्राम सभा में स्थित मां कुंवरवाटा देवी पर एक भव्य रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें 24 घंटे अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व विधायक सुरेश तिवारी के द्वारा किया गया। सुरेश तिवारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हर साल के भांति इस साल भी रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया है, जिसमें 24 घंटे रामायण पाठ किया गया और आज समापन हुआ, जिसमें प्रसाद के रूप में भंडारे का आयोजन किया गया है। यह ईयरली कार्यक्रम हमारा है, साल में फंक्शन होता है अखंड रामायण, और पूरी फैमिली हमारा कहीं भी रहेगी हिंदुस्तान में, टोटल फैमिली को आना है, और हर साल का ये नियम है मैं करता हूँ। रामचरितमानस रामायण, रामायण ही तो सब कुछ है, उसी में तो कलयुग का सब कुछ लिखा है, कैसे रहना चाहिए, कलयुग में क्या होगा, सब कुछ। वहीं झांसी में छात्र पुलिस अनुभव अधिनियम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा आयोजन इकाई से झांसी जिले सभी महाविद्यालय से 44 स्वयं सेवकों को चयनित किया गया है। इन्हें UGC के गाइडलाइन के अनुसार 120 घंटे के प्रशिक्षण के लिए थाने में भेजा जाएगा और UGC की गाइडलाइन के अनुसार इनकी मार्कशीट में 4 क्रेडिट प्रदान कर इन्हें 100 अंक अतिरिक्त देकर लाभान्वित किया जाएगा। इतना ही नहीं, ये सरकार का यह पहला व्यापक कार्यक्रम है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्र जमीनी स्तर पर व्यवहारिक रूप में सिखों और पुलिसों की प्रणाली को समझे और अपने जीवन में सकारात्मक भाव पैदा करना है। हमने इस इकाई के यहाँ पर जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि जो NSS के छात्र छात्राएं हैं उनको पुलिस के कार्यक्रम कार्य प्रणाली को समझने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें हर जनपद से कुछ बच्चे चयनित किए जा रहे हैं, जिससे झांसी जिला के कुछ बच्चे चयनित हुए हैं इससे कार्य प्रणाली को समझने के लिए। पूरे प्रदेश में स्टूडेंट पुलिस एक्सपीरियंशियल लर्निंग का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसी प्रोग्राम के तहत झांसी जिले में भी 44 बच्चों को 9 थानों के लिए सेलेक्ट किया गया है। ये बच्चे थानों पर जाएंगे, वहाँ की लर्निंग, वहाँ के जो फंक्शनिंग है, पुलिस की फंक्शनिंग है, और जो विभिन्न पटल हैं थाने पर जो काम कर रहे हैं, जो जन शिकायतें आती हैं, किस तरह की जन शिकायतें आती हैं, कैसे उसका समाधान होता है। वहीं पीलीभीत में दबंगों ने 17 साल के मंदबुद्धि किशोर के साथ मारपीट की। आरोप है कि किशोर को घर में बंद करके उसके साथ मारपीट की गई। विरोध करने पर तमंचे से लैस होकर आए दबंगों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की। पुत्र को बचाने आए पीड़िता के साथ भी मारपीट और अश्लील हरकतें की गई। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता ने मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस से की, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर SP से मामले में कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई है। मामला थाना जहानाबाद इलाके के
भूड़ा मगरासा गांव का है। मोटिव यह है सर कि हम जो लड़का था छोटा था जो रोड पर खड़ा था और दूसरी तरफ जो है हम लोग पटाखे ला रहे थे तो उनके लिए खर्च लाए गए थे और बंद करके मारा था। इसके बाद उसकी मम्मी आई उन्हें भी अंदर बंद कर लिया और फाटक लगा लिया। कब की घटना है ये? 14 तारीख से हम 7 बजे। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी सदर के पास थानाध्यक्ष विनय शर्मा द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए मुकदमा उपयुक्त के 7 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। वहीं न्यायालय के आदेशानुसार उन्हें जेल भेज दिया गया था। इसी क्रम में चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपयुक्त के वंचित अभियुक्त तालिब को दुमडौड़ा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार उपयुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। वहीं झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र के खिदरापुरा गांव में देर रात 2 पक्षों में मारपीट हुई जिसमें जमकर लाठी डंडे चले। मामले में महिला समेत 7 लोग घायल हो गए हैं। पूरा विवाद खेत की मेड़ टूटने को लेकर हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं सभी घायलों को उपचार के लिए झांसी के मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। सर थाना गुरसराय का क्या मामला है? थाना गुरसराय में खिदरबारा गांव में कल खेत में मेड़ को तोड़ने को लेकर विवाद हो गया था जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और दोनों पक्षों से कुछ लोग घायल हुए हैं जिन्हें जिला हॉस्पिटल भेज दिया गया है और तहरीर नहीं प्राप्त हुई है और तहरीर प्राप्त करके शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी और जांच के बाद जो भी सत्यता होगी उस आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी सर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तकनीक बेमिसाल, 3 साल शानदार, खबरों की रफ्तार जिससे है आपका सरोकार, अनुभव का साथ, पक्की खबर, सही खबर, खबरें जो बनती है आपकी पावर। देखने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज वर्ल्ड इंडिया ऐप। न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण और मेरे साथ मौजूद है हरीश असवाल जी। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इस 3 साल के सफर में एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, हमने न्यूज वर्ल्ड इंडिया ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से आप हमसे और आसानी से जुड़ सकते हैं। और इसके पीछे क्या मकसद है वो हरीश जी हमें बताएंगे। जी काजोल, इसमें हमारा मकसद बहुत साफ है। हम घर घर तक, गली गली तक इससे जुड़ना चाहते हैं, हर परिवार से हम जुड़ना चाहते हैं। इस परिवार के साथ जुड़कर उनकी समस्याएं, कोई भी उसके आसपास होने वाली समस्याएं, वो हम तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। जस्ट आप अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाएं और इसमें अपलोड कर दें, तो उससे अपलोड करने से पहले ऐप को डाउनलोड करें और घर बैठे आप रिपोर्टर बने। आपकी खबर अगर हुई बेहतरीन और किसी की हुई मदद तो आपको हम इनाम भी देंगे। तो अभी डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया ऐप, यहाँ आपको हर तरह की खबर मिलेगी, आपके सरोकार की खबर मिलेगी। तो सोचिए मत, करिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया ऐप डाउनलोड और बनिए समाज की ताकत। स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सहारनपुर में सड़क निर्माण को पूरा करने की मांग को लेकर पार्षद के नेतृत्व में वार्ड के लोगों ने प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। हकीकत नगर वार्ड नंबर 50 में सड़क पर पार्षद समेत कई लोग धरने पर बैठ गए। इस दौरान धरने पर बैठे लोगों ने जल निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्षद अमित त्यागी ने आरोप लगाते हुए बताया कि जल निगम द्वारा सड़क को दिवाली से पहले ही पूर्ण करने के साथ आश्वासन दिया गया था, लेकिन जल निगम की लापरवाही के चलते कई दिन बीत जाने पर भी सहारनपुर हकीकत नगर की सड़क निर्माण को बीच में ही रोक दिया गया है, जिससे लोगों में काफी परेशानियां हो रही हैं। सड़क निर्माण के पूरे न होने के चलते धूल मिट्टी से दुकानदारों का काम ठप हो गया है, तो वहीं सड़क पर आवाजाही करने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि इस सड़क पर कई बार स्कूल के बच्चों के टेम्पू तक भी पलट गए हैं। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि यदि जल निगम द्वारा जल्द ही सड़क को नहीं बनाया गया तो उन्हें विशाल प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मेरे वार्ड में ये मुख्य सड़क है, इसमें वादा किया गया था जल निगम द्वारा कि इसे हम 1-1.5 महीने के अंदर कंप्लीट कर देंगे। आज 2.5 महीने हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है।
ना वो किसी की सुन रहा है। एक्सीएन जो है वो बहुत ज़्यादा निकम्मा आदमी है, रुचिन यादव उसका नाम है, उसे इतनी शर्म नहीं आती कि यहाँ 50 बार उसने वादे कर लिए कि मैं ये करा दूंगा भैया करा दूंगा, रोज की यही बात है। आज मजबूरन भैया दोज के दिन, हम त्यौहार के दिन 80 साल के बुजुर्ग मेरे साथ, यहाँ के रहने वाले सभी लोग धरने पे सड़क के बीचों बीच बैठे हैं। बाराबंकी के थाना मोहम्मदपुर क्षेत्र में आयोजित हेतमापुर मेले में मामूली कहासुनी के बाद टेंट व्यापारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेले में ड्यूटी पर तैनात दरोगा पर, साथ ही हमराही सिपाहियों पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में एक महिला सिपाही समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थानीय सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायल पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घायल दरोगा की तहरीर पर 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मैं आशुतोष मिश्र, पुलिस अधीक्षक उत्तरी बाराबंकी, अवगत कराना चाहता हूं कि एक प्रकरण जो मोहम्मदपुर खाना थाना क्षेत्र के हेतमापुर में लगे हुए मेले के दौरान छोटे लाल नामक व्यक्ति के द्वारा टेंट हाउस के मालिक अनवर से कुर्सियां ली गई थी, उसके टूटने पर उन दोनों पक्षों में आपस में विवाद हुआ, जिसमें वहां के जो चौकी प्रभारी मेले के बनाए गए थे उप निरीक्षक, उनके द्वारा उसका उचित निस्तारण नहीं किया गया। वहीं सहारनपुर में पुलिस की मुठभेड़ में 5 शातिर पशु चोर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किए गए पशु, अन्य सामान, एक पिकअप गाड़ी, फर्जी रजिस्ट्रेशन के रैपर और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। प्रेसवार्ता में सहारनपुर के SP देहात सागर जैन ने बताया कि थाना बेहट पुलिस द्वारा बेबौला पावर हाउस वाले नहर के पुल के पास संदिग्धों की चेकिंग की जा रही थी, तभी पुलिस टीम को सामने से पिकअप गाड़ी आते दिखाई दी, जिसको संदिग्ध लगने पर पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया, तो पिकअप में सवार अभियुक्त गन द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दी गई। पुलिस टीम द्वारा घेर घोटोर अपनी जान की परवाह न करते हुए मौके से 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अन्य अभियुक्त गन मौके से भागने में सफल रहे। ये बीते 1 से 1.5 माह के बीच दौरान पशु चोरी की घटनाएं थाना बेहट क्षेत्र अंतर्गत कुछ गांव, जैसे कि गांव चिम्माबास, गांव कबीरपुर, गांव बाबेल बुजुर्ग, इसके आसपास भैंस चोरी की घटनाएं प्रकाश में आई हैं, और जिस संबंध में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। साथ ही एक ई रिक्शा की एक दुकान है, वहां से बैटरी चोरी की भी घटना हुई थी, जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वहीं हमीरपुर में गाली गलौज का विरोध करने पर युवक के साथ दबंगों ने मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया। साथ ही थाने में शिकायत करते जाते समय दबंगों ने पीड़ित को शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने छुपकर मुख्यालय पहुंच SP से मामले की शिकायत की है। आरोप है कि दबंग युवक रील बनाकर लोगों को डराने का काम करते हैं। पीड़ित ने दबंगों से जान का खतरा बताया है। मामला कुरारा थाना क्षेत्र के जलाला गाँव का है। मैं अपने घर के पास खड़ा था, तो कुलदीप मेरे साथ और 2-4 लड़के के साथ अपने लेके आए और गाली गलौज कर रहे थे उधर। मैंने उनका विरोध किया तो उन लोगों ने मुझे मारा, मेरा हाथ तोड़ दिया। मैं तुमने थाने में इसकी शिकायत की? नहीं, थाने में गया था लेकिन वो लोग बाहर खड़े थे, तो मैं वहाँ से निकल आया सीधे। तो आज तुमने खतरा था उधर। आज तुमने किससे शिकायत की है? पुलिस अधीक्षक से। ठीक है, क्या चाहते हो, क्या कार्रवाई चाहते हो? मैं चाहता हूं कि मेरे जानों को खतरा है, तो मेरे साथ कार्रवाई की जाए। मतलब चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोंडा के नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे सांसद कीर्ति वर्धन सिंह ने बयान देते हुए कहा कि दुनिया में इजराइल यूक्रेन वॉर, दुनिया में हो रही त्रासदी से बचने के लिए महिलाओं को मजबूत होना पड़ेगा। महिला को सशक्त बनाने के लिए भाजपा महिला आरक्षण बिल देकर विशेष बल दिया गया है। महिलाएं अपनी शक्ति को पहचान कर आगे आएं तो परिवार, प्रदेश, देश और विश्व उन्नति करेगा और शांति रहेगी। सांसद ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो विवादित बयान दिया है उस पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीति में खुद को दिखाने के लिए दिए ऐसे बयान जाते हैं। सांसद ने राहुल गांधी के जातिगत जनगणना के सवाल पर भी पलटवार करते हुए कहा
कि हम उस पॉलिसी के पक्ष में हैं जहां समाज मजबूत होता है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। देखिए कौन लोग हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के लिए हम मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, उनकी अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी सोच, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस तरह के बयानों से हमारा समाज और मजबूत होता जा रहा है। हमारा समाज ऐसे विनाशकारी ताकतों और आपस में तोड़ने वालों से सतर्क होता जा रहा है, और हमारा समाज, हमारा वोटर ये जान रहा है, उसकी आँख खुली कि ये लोग कैसे लोग हैं, इनकी सोच क्या है, और जिस ताकत के लिए, जिस पॉलिटिकल ताकत के ये लोग इतने लालायित है, वो डिजर्विंग है कि नहीं, इनके हाथ में अगर चला जाएगा तो क्या होगा इस समाज का, इस प्रदेश का, ये सबकी सबके नजर में आ रहा है। अगली खबर उन्नाव से है, जहां पर गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के राजधानी मार्ग स्थित गंगा घाट पोस्ट ऑफिस से तिजोरी का ताला तोड़कर चोरों ने 16 लाख की नकदी पार कर दी। गुरुवार सुबह सहायक पोस्ट मास्टर के आने पर चोरी की जानकारी हुई, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया। सूचना पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी ने जांच के आला अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर सीओ सिटी डॉग स्क्वाड टीम पहुंची। डॉग भी कुछ दूर जाने के बाद रुक गए, जिसके बाद पुलिस को अभी तक इस पर कोई क्लू नहीं मिल सका है। पुलिस डाक विभाग के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। वहीं सहायक पोस्ट मास्टर आशीष चंद्र गौड़ ने बताया कि बुधवार रात आरडी फिक्स डिपॉजिट सामान्य जमा निकासी सुकन्या योजना का करीब 16 लाख रुपए कैश उन्होंने कर्मचारियों से तिजोरी में रखवा कर ताला बंद करवाया था। सीओ सिटी आशुतोष कुमार ने बताया कि चोरी की सूचना मिली थी, जिसकी जाँच पड़ताल की जा रही है। प्रथम दृष्टि में चोरी की सूचना संदिग्ध लग रही है। इस डाकघर की क्षमता 50,000 रुपए रखने की ही है। आज सुबह थाना गंगाघाट इंस्पेक्टर के पास डाक थाना के कर्मचारी आगे सूचना देता है कि साहब डाक थाने में रखा हुआ कैश नहीं है और लग रहा है कैश गायब हो गया है। सूचना पाकर तत्काल मौके पर थाना प्रभारी डाक स्क्वाड और एसओजी चीफ लोग पहुँचे। दरअसल देखा गया कहीं तो कोई शायद सभी ताले बंद पाए गए, कहीं कुछ टूटा फूटा नहीं पाया गया। प्रथम दृष्टया घटना सभी लग रही है और उसकी जाँच की जा रही है, उसकी जाँच नहीं की जा रही है। वहीं सोनभद्र के थाना ओबरा अंतर्गत एक सरकटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल ओबरा थाना अंतर्गत शारदा मंदिर के पास एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की पहचान अमर प्रसाद गौन, उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। सर आज एक ओबरा थाना क्षेत्र में एक लाश मिली हुई है, क्या है मामला सर? ये शारदा मंदिर के पास दिल्ली मार्केट क्षेत्र में सड़क किनारे एक डेड बॉडी प्राप्त हुई है, जिसकी पहचान अमर प्रसाद गौड़ के रूप में हुई है। उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास है। आज उसके संबंध में थाने में गुमशुदगी भी दर्ज की गई है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जैसा भी होगा उसके अंदर बताया जा रहा है कि उसका सर कटा हुआ है, तो क्या है? सर नहीं कटा हुआ है, सर को किसी जानवर आदि द्वारा खा लिया गया है, काटा रह गया है, और बाकी अभी डीएम होगा जो उसके आधार पर कार्रवाई करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वांचल और बिहार में मनाए जाने वाले छठ पर्व की धूम अब हरिद्वार में भी देखने को मिल रही है। दीपावली के बाद गंगा घाटों पर छठ पूजा की धूम देखने को मिल रही है। दिवाली के 6 दिन बाद आने वाले छठ पूजा का पर्व पूर्वांचल में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा को लेकर हरिद्वार की गंगा घाटों को सजा दिया गया है। छठ पूजा में उगते हुए और छुपते हुए सूरज की पूजा की जाती है। ये पर्व दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है, जो नहाए खाए की परंपरा से प्रारंभ होता है। भाद्राबाद में भाजपा के सांसद प्रवास कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। केंद्र और प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि बूथ का कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है। निशंक ने कार्यकर्ताओं को बूथों पर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कर नए सदस्य बनाने और बूथ पर पार्टी द्वारा अनिवार्य अगला कार्यक्रम का आह्वान किया। मेरा बूथ सबसे मजबूत बनाने में बढ़ने और बूथ स्तर पर लाभार्थियों की छोटी छोटी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन मानस तक पहुंचाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, ये सभी कार्यकर्ताओं के बदौलत ही संभव हो पाया है। आपको पता ही नहीं चलता आप दिल्ली का देहरादून, आपको पता ही नहीं चलता आप फोन पर बात करते करते आप देहरादून पहुंच जाते हैं। यहाँ से कुमाऊं हो, यहाँ से रुड़की हो, यहाँ से बिजनौर हो, यहाँ से लक्सर हो, तो यदि आप देखेंगे तो सड़कों का जाल बिछ गया है और विकास बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं हरिद्वार के लोगों को बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ कि हरिद्वार इस जनपद जो पहले उत्तर प्रदेश में होता था, पर्वतीय क्षेत्र के हिस्से में नहीं था, लेकिन जब राज्य अलग हुआ तो उस समय बहुत कोशिश करने के बाद हमने, जिसमें मैं पर्वतीय विकास मंत्री था उत्तर प्रदेश में। जिला मुख्यालय पौड़ी में सूचना विभाग के कार्यालय में प्रेस दिवस के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में मौजूद पत्रकारों ने कृत्रिम मेधा के युग में मीडिया विषय पर अपनी विचार व्यक्त किए। जिला सूचना अधिकारी वीरेंद्र सिंह राणा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जहां पत्रकारों द्वारा आधुनिकता की दौर में गैजेट्स का बढ़ता उपयोग और उसके फायदे तथा नुकसान दोनों के बारे में अपनी अपनी राय रखी गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में त्रिभुवन उनियाल, गुरविंदर नेगी, कुलदीप बिष्ट, मुकेश बच्छेरी, जसपाल नेगी, पंकज रावत, गणेश नेगी, महेंद्र नेगी जैसे गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रेस दिवस का आयोजन किया गया जिसमें सभी पत्रकार साथियों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभा किया और विषय के अनुकूल सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और बहुत से पत्रकार साथियों द्वारा बहुमूल्य सुझाव भी साझा किए। जो बहुमूल्य सुझाव पत्रकार साथियों द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं, जिनका निराकरण हम अपने स्तर पर कर सकते हैं, हम जरूर करेंगे। और जो रिकमेंडेशन हमें शासन को, निदेशालय स्तर को प्रेषित की जानी है, उसको भी जरूर प्रेषित करेंगे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर एक तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को अपनी तरफ से और सूचना विभाग को भी शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। प्रेस परिसर की तरफ से तो बहुत पत्रकारों ने यहाँ पे तमाम मुद्दे उठाए, तमाम सवाल किए, तमाम शिकायतें की, तमाम सुझाव रखे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में जो पत्रकारिता के दायित्व हैं, क्या दायित्व है हमारे कि आज जो हम पराश्रित हो गए हैं इस विज्ञान के युग में। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वाले इंडिया।